गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की कंडीशन में जो डैमेज होता है एग्रीव्ड पार्टी को, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं या उसका हम कैसे अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, कि जब एक पक्षकार यानी कि एक पार्टी अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को तोड़ती है तो उसे हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है, और हमने कुछ रेमेडीज़ भी बताई थी। उस रेमेडी में एक पॉइंट ये था कि जो एग्रीव्ड पार्टी यानी जो पीड़ित पक्षकार है वो डैमेजेस ले सकता है, यानी जो उसको नुकसान हुआ है ना उसकी भरपाई करवा सकता है। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि नुकसान कैसा होगा, किस तरीके का होगा और नुकसान का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। ओके, तो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो डैमेजेस हैं वो कितने टाइप के होंगे। सबसे पहले नंबर आएगा हमारा जनरल डैमेज का। जनरल डैमेज का मतलब होता है सामान्य क्षति यानी नुकसान, नॉर्मल डैमेज जिसको आप कह सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर एक शॉपकीपर ने समय पर टाइम पर सामान हमें डिलीवर नहीं किया और हमें अर्जेंसी थी या हमने कहीं और से लेना पड़ा और वो एक्स्ट्रा पैसे हमें देने पड़े, तो एट दैट टाइम जब ये जो नुकसान कब हुआ, जब हमारा अनुबंध टूटा। ठीक है, तो उस समय जो नॉर्मल जो उस समय सर्कमस्टांसेस थे ना प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ ब्रीच, राइट, तो तोड़ने के समय जो सर्कमस्टांसेस थे, ओके जी, तो उन सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए जो भी नुकसान हमारा हुआ उसे हम जनरल डैमेज कहेंगे। जैसे अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया कि शॉपकीपर ने मुझे कुछ सामान एक पर्टिकुलर रेट पर देना था और उसने एंड टाइम पर मुझे देने से मना कर दिया और मुझे अपने आगे कहीं माल सप्लाई करना था तो मैंने किसी और से ज़्यादा पैसों में अर्जेंसी में उठाकर और आगे सप्लाई किया और उस चक्कर में मेरा सामान थोड़ा महंगा हो गया जिससे मुझे जेब से एक नुकसान उठाना पड़ा। तो उस नुकसान की भरपाई मैं उस शॉपकीपर से करूंगी जिसने मुझे एंड टाइम पर देने से मना कर दिया था। तो उस समय जो सर्कमस्टांसिस थे ना, उस सर्कमस्टांसिस को असेस करते हुए, असेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना, ठीक है, असेस करते हुए हम देखेंगे कि हमें एक्चुअली कितना डैमेज हुआ है। अब कैसे मैं कैलकुलेट करूँगी, ये 10 रुपये वाली चीज़ अगर मुझे अगर बाज़ार से 15 रुपये या किसी और सप्लायर से 15 में मिली है तो 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मेरा लॉस हुआ ना। आप देते तो 10 में देते, आपने एंड टाइम पे देने से मना कर दिया तो मुझे 15 में उठानी पड़ी, तो 5 रुपये पर यूनिट का लॉस हो गया, वो लॉस मैं आपसे कवर करूँगी, राइट, दैट इज़ जनरल डैमेज। ओके, फिर दूसरे नंबर पे आ रहा है हमारा स्पेशल डैमेज। स्पेशल डैमेजेस का मतलब होता है कि स्पेशल सर्कमस्टांसिस को जब ध्यान में रखकर हम डैमेज को असेस करते हैं। स्पेशल डैमेजेस मतलब स्पेशल सर्कमस्टांसिस की वजह से जो डैमेज होते हैं। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए मैंने शॉपकीपर को बोला कि मुझे ये सामान दिवाली के पर्पस के लिए चाहिए, मैं ये स्पेशल सर्कमस्टांसिस हो गए ना। एक तो होता है कि मुझे नॉर्मल केस में जब मेरा बिजनेस है या मेरी दुकान है और मैं होलसेलर से सामान लेती हूँ और आगे बेचती हूँ तो ये तो मेरा रूटीन का काम है, कुछ स्पेशल ओकेजन नहीं है मतलब। लेकिन अगर मैंने होलसेलर को कह दिया कि मेरी दिवाली का मौका आ रहा है और मुझे जो सामान दिवाली के लिए चाहिए, तो वो एक स्पेशल ओकेजन हो गया, स्पेशल सर्कमस्टांसिस हो गए। तो अगर वो सामान मेरे पास टाइम पर आ जाता तो मैं दिवाली पर उसको बेचती तो मेरी बिक्री ज़्यादा होती और मैं उससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करती, ठीक है। तो ये वो डैमेज है जो मेरा स्पेशल सर्कमस्टांसिस की वजह से हुआ है। वजह तो आप ही हो कि आपने उस अनुबंध को तोड़ा है, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसिस थे इस वजह से मेरा नुकसान नॉर्मल से ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो एक कंडीशन ये है कि एक तो स्पेशल डैमेज जो होते हैं वो उसकी वजह से उसका मतलब यही होता है कि आपको कुछ स्पेशल लॉस हुआ है, स्पेशल लॉस या स्पेसिफिक लॉस हुआ है एग्रीव्ड पार्टी। एक होता है नॉर्मल लॉस जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो ये स्पेशल डैमेजेस तभी लोगे अगर आपको स्पेशल लॉस होगा। दूसरा, दोनों पार्टीज़ को, ऑब्वियसली मैं आपको ऑर्डर कर रही हूँ सामान के लिए तो मुझे तो पता ही है, लेकिन आपको भी अगर मैंने ये बताया नहीं है ना कि मैं स्पेशल ओकेजन के लिए ले रही हूँ, फिर मैं स्पेशल डैमेजेस आपसे नहीं ले सकती। लेकिन अगर मैंने आपको पहले ही बता दिया था एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको ये बता दिया गया था कि ये जो सामान है, ये जो मटीरियल है वो मैं दिवाली के लिए ले रही हूँ, तो आपकी नॉलेज में था ना ये,
आपकी नॉलेज में था, स्पेशल सर्कमस्टांसिस नॉलेज में थे, और फिर भी आपने उसको इग्नोर किया। फिर कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जो बताए कि वही स्पेशल डैमेजेस दिए जाएंगे अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा। कई बार क्या होता है, सर्कमस्टांसिस तो स्पेशल होते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा कोई भी डिस्कशन नहीं होता कि अगर नुकसान हुआ तो क्या हम नॉर्मल डैमेज देंगे या स्पेशल देंगे। अगर कोई भी उसमें क्लॉज नहीं दे रखा ना, तो फिर आपको स्पेशल डैमेज नहीं मिलेगा, फिर तो आपको नॉर्मल डैमेज ही मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा आ रहा है डैमेज नेचुरल रिजल्ट होना चाहिए उन सर्कमस्टांसिस का। ऑब्वियसली मतलब नेचुरल रिजल्ट का मतलब ये होता है कि ये डैमेज मतलब हमें पता है ना कि अगर ये काम नहीं होगा तो मुझे इतना नुकसान होगा, और अगर इस तरीके से नहीं होगा तो मुझे इतना नुकसान होगा। तो एक पूरा एक वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, जैसे कोरिलेशन जिसे कहते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन है। तो डैमेज का कनेक्शन उस सर्कमस्टांसिस के साथ होना चाहिए। वो सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं कि अगर उसमें उस तरीके से पर्टिकुलर तरीके से काम ना किया जाए तो डैमेज होगा, तो एक नेचुरल रिजल्ट होना चाहिए उसका। ओके जी, एग्जाम्पल मैं आपको दे ही चुकी हूँ। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेशल डैमेज में मैं आपसे 5 रुपये पर यूनिट तो मैं लूँगी, साथ में मैं थोड़ा सा और भी अमाउंट लूँगी जो कि स्पेशल डैमेज के लिए होगा। नॉर्मल डैमेज होता तो मैं आपसे 5 रुपये पर यूनिट लेकर का बात ख़त्म कर देती, लेकिन मुझे दिवाली पर उस सामान को ना मिलने की दशा में जो मेरे प्रॉफिट का लॉस हुआ, उस प्रॉफिट, अब आप कहेंगे कि प्रॉफिट अभी कहाँ हुआ, अभी आपने बेचा कहाँ, बिल्कुल ठीक बात है, अभी जब माल ही नहीं था तो मैंने बेचा ही नहीं थे तो मेरे प्रॉफिट ही नहीं हुआ। तो वही तो कह रहे हैं ना कि जब अगर आप मेरे को टाइम पर दे देते तो मेरा बिक जाता और मुझे प्रॉफिट होता ना, और मैं नॉर्मल डेज से थोड़ा ज़्यादा अर्न करती। अब आप देखेंगे ना कि दिवाली के ओकेजन पे दुकानों पे भीड़ ज़्यादा होती है, नॉर्मल डेज़ में उतनी नहीं होती है, तो नॉर्मल डेज़ में दुकानदार उतना नहीं कमाते हैं जितना ओकेजन पे कमाते हैं, है ना, या शादियों का सीज़न है तब कमाते हैं। तो वही बात यहाँ पे भी है कि क्योंकि वो स्पेशल सर्कमस्टांसिस थे इसलिए मेरा जो लॉस है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस हो गया, तो आपको जो है मुझे अलग से भी पैसा देना पड़ेगा, मतलब जो मेरा डैमेज का जो कैलकुलेशन होगा ना वो नॉर्मल डैमेज से ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर आ रहा है एग्जेम्प्लरी या विंडिक्टिव डैमेजेस। विंडिक्टिव या एग्जेम्प्लरी को बोलते हैं, जैसे मान लीजिए दंड, यानी किसी को कोई पनिशमेंट देने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डैमेज फिक्स किया जाता है, भाई यहाँ पर तो ना आपने हद ही कर दी है, कहने का मतलब ये है। तो अब आपको जैसे कहते हैं ना, सबक सिखाने वाला सीन है, दंड देना, पनिशमेंट देना, वो वाला सीन रहेगा, तो वैसे डैमेजेस हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। अब उन इस डैमेज का मतलब क्या हुआ, कभी कभी क्या होता है कि हम, एक तो होता है ना नुकसान पैसों का हो जाए, चलो पैसों का नुकसान हम भर सकते हैं, लेकिन कई बार हम किसी की इमोशंस को, किसी की फीलिंग को, किसी की रेपुटेशन को इतना हर्ट कर देते हैं कि जिसको पैसों में तोलना मुश्किल है। आपने अखबार में किसी के खिलाफ कोई आर्टिकल छपवा दिया जबकि वो एक्चुअल बात नहीं थी, और उससे उसको बड़ा, जिसे कहते हैं ना डिफेम हुआ, उस डिफेमेटरी जिसे कह सकते हैं, या किसी को, किसी की इज्जत उछालने वाली बात है, किसी की मार्केट में रेपुटेशन ख़राब करने वाली बात है। स्पेशली अगर बिजनेसमैन की मैं बात करूँ तो बिजनेसमैन का तो देखो बिजनेस ही उसके रेपुटेशन पे चलता है, गुडविल पे चलता है। अगर आप जानबूझकर कुछ ऐसी हरकत करते हैं कि जिससे उसकी रेपुटेशन बिगड़ जाती है, मान लीजिए मैंने एक पर्सन को पेमेंट में चेक दिया है और बैंक ने उस चेक को कैश करने से मना कर दिया, ये कह के कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, तो अभी देखो कितना इंसल्ट होगा, होगा ना कि भाई अरे ये तो इतना बड़ा बिजनेस चला रही है और इसके अकाउंट में 5,000 नहीं है। तो एक अगर ये बात फैल जाए मार्केट में तो मेरे बिजनेस को कितना धक्का लगेगा, लोग मेरे पर ट्रस्ट करना बंद कर देंगे, देखो ये तो ऐसे चेक दे रही है जिन पैसा होता नहीं और लोग चेक काट कर दे देते हैं, है ना, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर ऐसा कोई कार्य करते हैं जिससे सामने वाली पार्टी की रेपुटेशन, गुडविल, उसकी फीलिंग्स, इसके इमोशंस को हर्ट होता है, और जिसका, जिसको पैसों से तोला नहीं जा सकता, या जिसका नॉर्मल और स्पेशल डैमेजेस की तरह असेसमेंट नहीं होता है, तो कोर्ट ऐसे पर्सन को पनिश करने के लिए कुछ इस तरीके का उसके ऊपर चार्ज लगाती है जिससे उसको आगे के लिए सबक मिल जाए अच्छे से कि भाई ये जो काम तूने किया है ना, ये अभी आगे कभी करने की सोचना भी मत। जैसे एक मैरिज की हम बात करते हैं, केस है मैरिज का, तो हालांकि मैरिज जब होती है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता बाकायदा, ठीक है ना, ये तो एक सोशल एग्रीमेंट है एक तरह से, लेकिन अगर इसमें भी तो आप ये देखते हैं ना, जब एक जगह मैरिज फिक्स हो जाती है तो ऐसा तो नहीं है ना कि बारात वाले दिन जो है लड़के की शादी या लड़का लड़की की जैसे शादी है तो बारात ही ना पहुँचे, तो
इससे क्या होगा, लड़की की फीलिंग्स हर्ट होंगी सोसाइटी में, जैसे कि हमारी सोसाइटी में तो खासकर ये बातें हैं कि हमारे यहाँ पे तो लड़की के ऊपर ही इस तरह की बातें होती हैं, तो एक उसकी रेपुटेशन ख़राब हुई, उसकी फैमिली की बदनामी हुई, और आप चाहे उसको अब 10 लाख रुपए दे दो, कितना मर्जी दे दो, उसने उन्होंने मैरिज के अरेंजमेंट्स में जो खर्च किया है बेशक वो सारा उनको दे दो, लेकिन जो समाज में उनकी बेइज्जती हुई है उसका हर्जाना भी तो है कोई, है कि नहीं बात। तो कोर्ट ऐसे मामलों में इस तरीके की पनिशमेंट, इस तरीके का जो डैमेज डिसाइड करती है, इस तरीके का मतलब जो उसका कैलकुलेशन करती है वो कोर्ट के ऊपर होता है कि कोर्ट क्या लगाएगी उसके ऊपर चार्ज, उस पर्सन पर जिसने एंड टाइम पर शादी से मना कर दिया या बारात लेकर ही नहीं आया, और या फिर इस तरीके का सीन है, या किसी के खिलाफ आपने अगर न्यूज़पेपर में कोई ऐसे गलत आर्टिकल छपवा दिया जो कि ऐसा कुछ था ही नहीं, उसकी गुडविल को आपने धक्का दिया, किसी बिजनेसमैन के बैंक के चेक को, ऑब्वियसली बात बिजनेसमैन की भी नहीं है, किसी भी पर्सन के चेक को बैंक बिना किसी रीज़न के बाउंस नहीं कर सकता। अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो कोई भी बैंक चेक को कैश करने से मना नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी समझ में आ गई होंगी, ये नॉर्मल डैमेज नहीं है, ये स्पेशल डैमेज नहीं है, ये विंडिक्टिव डैमेज है, ठीक है जी। नेक्स्ट होता है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस का मतलब होता है नाम मात्र, यानी कि एक्चुअली कोई खास लॉस नहीं था, मान लीजिए मुझे कोई बस बड़ा नाम मात्र का, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल लाइट सा, ऐसा कोई नुकसान हुआ, लेकिन कोर्ट कभी कभी इस बात को सीरियसली लेती है कि भाई आज छोटी सी गलती हुई है, कल ये गलती बढ़ भी सकती है, वेरी स्मॉल, स्मॉल था डैमेज, बहुत नॉमिनल था, लेकिन वार्निंग देने के लिए कोर्ट जब उसके ऊपर कोई चार्ज लगाती है तो उसे हम नॉमिनल डैमेज कहते हैं। मतलब नॉमिनल डैमेज का मतलब यही है कि बिल्कुल नाम मात्र का नुकसान, यानी नुकसान ना के बराबर था, बट डिफॉल्टिंग पार्टी पर कोर्ट का राइट बनता है, और ये राइट एग्रीव्ड पार्टी का, एग्रीव्ड मतलब पीड़ित पक्ष का, यानी जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है, जिसका नुकसान हुआ है, चाहे नुकसान, देखिए नुकसान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, नुकसान तो नुकसान होता है, जिस पर्सन का नुकसान होता है आप ये नहीं कह सकते अरे ये तेरा तो थोड़ा सा नुकसान है तो इसमें भी क्या परेशान हो रहा है, नो, बात छोटे या बड़े की नहीं है, नुकसान नुकसान है, लॉस तो लॉस है, डैमेज तो डैमेज ही है, आप उसको बिल्कुल भी कम या ज़्यादा आँक नहीं सकते, ओके तो ये आपके नहीं है, ये तो एग्रीव्ड पार्टी के पास राइट है कि वो आपको इसके लिए कोर्ट में ले जाना चाहती है या नहीं ले जाना चाहती। तो कोर्ट उस ऐसे पर ये मत सोचिए कि एग्रीव्ड पार्टी को कहेगी जी भैया ये तो क्या थोड़ा बहुत नुकसान के लिए तुम कोर्ट में आ गए हो, नो, एग्रीव्ड पार्टी का ये राइट है कि वो कोर्ट में जा सकता है, स्यू कर सकता है डैमेजेस के लिए, और एक वार्निंग होती है एक तरीके से डिफॉल्टिंग पार्टी को कि भैया चाहे नाम मात्र का ही है पर दोबारा ऐसा सोचना मत, ठीक है। फिफ्थ में आ जाएंगे लिक्विडेटेड डैमेज एंड पेनल्टी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रा सा फोकस मैं ज़्यादा करूँगी और आप भी करना। लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी का मतलब क्या है, मैं आपको बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में समझाती हूँ। मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और मैंने आपको ये बोल दिया है कि हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये क्लॉज हमने डिसाइड कर दिया है कि अगर कल को हम दोनों में से किसी भी पक्षकार ने अनुबंध को तोड़ा तो तोड़ने की दशा में दूसरा पक्षकार सामने वाले को इतने पैसे देगा, और ये पैसे या तो जो डैमेज एक्चुअल हुआ होगा उसके बराबर होने चाहिए, ये भी ध्यान में रखना, या फिर उससे कहीं ज़्यादा। दो बातें हैं, मान लीजिए मैं अनुबंध तोड़ती हूँ या आप अनुबंध तोड़ते हैं, तो जो भी अनुबंध तोड़ेगा ना, जो ब्रीच करेगा कॉन्ट्रैक्ट को, तो दूसरा पक्षकार उससे जितना भी एक्चुअल लॉस हुआ होगा ना वो पैसा ले लेगा, एक्चुअल लॉस के बराबर या ऑलमोस्ट उतना ही पैसा या उतना ही जो हम एक तरह से उसके बदले में लेंगे उसे हम बोलेंगे लिक्विडेटेड डैमेज, ठीक है। शुद्ध हिंदी में से बोलेंगे निस्तीर्ण क्षति। अभी इसलिए मैं हिंदी नहीं बोल रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा टिपिकल है और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी आई थिंक लिक्विडेटेड डैमेज लिखना प्रेफर करेंगे, ठीक है जी। तो लिक्विडेटेड डैमेज की हो गई कहानी ये कि इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ द फॉल्ट, या इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ यू नो कोई भी ऐसी गलती, कोई मतलब कोई ऐसा गलत कार्य करते हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, या कॉन्ट्रैक्ट टूटता है किसी भी वजह से, जिस भी पार्टी का लॉस, जिस भी पार्टी का नुकसान वो होता है ना, दोष होता है, तो उस पार्टी को एक्चुअल लॉस के बराबर पैसा उसको देना पड़ेगा। दे हो गया लिक्विडेटेड डैमेज। अब पेनल्टी पे आ जाओ, पेनल्टी की बात करते हैं। तो मान लीजिए हमने एक ना अमाउंट फिक्स कर लिया कि कॉन्ट्रैक्ट कोई भी तोड़ेगा वो बंदा दूसरे को 50,000 देगा, और हमें ये बताया कि कॉन्ट्रैक्ट टूटने की दशा में नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 होगा, लेकिन पेनल्टी हमने रख दी सीधा
50,000 की। अब देखो पेनल्टी इज मच मोर देन द एक्चुअल लॉस, दिख रहा है आपको 10,000 मैक्सिमम अगर लॉस होगा भी सही ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो लॉस होगा ज़्यादा से ज़्यादा 10,000। पेनल्टी हमने रख दी है 50,000 की, ठीक है। अब 50,000 की पेनल्टी रख दी है तो इसका मतलब ना 50,000 रुपये की का अमाउंट फिक्स कर दिया है बिकॉज इट इज़ मच मोर देन द एक्चुअल लॉस, सो इसे हम पेनल्टी कहेंगे। फिर वापस आ रही हूँ, लिक्विडेटेड डैमेज था क्योंकि एक्चुअल लॉस के बराबर जो अमाउंट फिक्स किया जाता है उसे तो हम कहेंगे लिक्विडेटेड डैमेज, और पेनल्टी में होता है कि एक्चुअल लॉस को तो छोड़ दो, साइड पे रख दो और हम एक फिक्स अमाउंट कर लेंगे कि भैया हम दोनों में से किसी ने भी गड़बड़ करी तो दूसरा बंदा उसको इतने पैसे देगा और वो पैसे एक्चुअल लॉस से कहीं कहीं ज़्यादा होंगे, ठीक है। आप वापस ये जिस चीज़ों पर मैंने हाईलाइट कर रखा है कि ये फेयर और जेन्युइन प्री असेसमेंट ऑफ द लॉस है, ठीक है। क्या है लिक्विडेटेड डैमेज? फेयर यानी उचित, जेन्युइन ये भी उचित ही एक तरह से, प्री का मतलब पहले, असेसमेंट ऑफ द प्रोबेबल लॉस, जो लॉस हो सकता है ना उसका पहले से एक एस्टिमेट लगा लिया और वो हमने अमाउंट फिक्स कर दिया, ठीक है। चाहे मैंने यहाँ पे 9,000-10,000 रख दिए तो एक्चुअली तो हुआ। और कोर्ट के पास ये पावर नहीं होती, कहाँ है कोर्ट, कोर्ट कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सच डैमेज। मान लीजिए मैं और आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं, हमने लिक्विडेटेड डैमेज फिक्स कर रखा है 10,000 जो कि ऑलमोस्ट एक्चुअल लॉस के बराबर होगा अगर लॉस होता है तो। मैंने नुकसान कर दिया, आप मैं दे नहीं रही आपको पैसे, आप कोर्ट में चले गए, कोर्ट आपको 10,000 पे दिलवा देगा मेरे से, ठीक है। कोर्ट उस 10,000 को 9,000 नहीं कर सकता और 10,000 को 11,000 नहीं कर सकता, कोर्ट कैन नॉट चेंज क्योंकि ऑलरेडी ये पैसा जेन्युइन है, ठीक है। पेनल्टी पे आ जाओ, पेनल्टी के केस में हम दोनों ने डिसाइड कर रखा है जो भी गड़बड़ करेगा दूसरा पक्षकार उसको 50,000 देगा, ठीक है। मतलब पेनल्टी यानी कि जो गड़बड़ करेगा वो उस दूसरे पक्षकार को 50,000 देगा। मैंने गड़बड़ करी, आप कोर्ट चले गए क्योंकि मैं आपको सीधे तरीके से पैसा नहीं दे रही हूँ। कोर्ट ने कहा कि भैया 50,000 ना बहुत ज़्यादा है, इतना भी मत जुलम उठाओ, तुम ऐसे करो एक्चुअल लॉस तुम्हारा 10,000 है ना, तो तुम कोई बात नहीं 15 ले लो, 20 ले लो, 25 ले लो, बट 40 बहुत ज़्यादा है, 50 बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कोर्ट हैज़ अ पावर, कोर्ट हैज़ अ पावर टू डिक्रीज दिस अमाउंट इफ, अब यहाँ देखो लिखा हुआ है कोर्ट रिजर्व्स द राइट टू रिड्यूस द अमाउंट। देखो पेनल्टी को बढ़ाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ऑलरेडी पेनल्टी का अमाउंट इतना ज़्यादा है, लेकिन कोर्ट के पास ये राइट होता है कि उसे लगे कि ये अमाउंट रिजनेबल नहीं है, भैया ये तो भैया तुम जुल्म कर रहे हो, इतना भी क्या फता गई है, 10,000 का तुम 15 ले लो, 20 ले लो, भाई 50,000 तक पहुँच गए, 1,00,000 तक पहुँच गए, दिस इज़ नॉट फेयर। तो कोर्ट के पास राइट होता है कि पेनल्टी को कम कर सकती है, लेकिन कोर्ट के पास ये राइट नहीं होता कि लिक्विडेट डैमेज को कम या ज़्यादा करे क्योंकि वो ऑलरेडी एक जेन्युइन अमाउंट है, राइट। ये बात समझ में आ गई जी, अब आगे चलते हैं। तो लिक्विडेट डैमेज का मतलब समझ में आ गया, लिक्विडेटेड डैमेज का मतलब होता ऑलमोस्ट दैट अमाउंट विच इज़ इक्वल टू लॉस और अप्रोक्सीमेटली जो लॉस के अमाउंट के साथ मैच करता है, लेकिन और ये उस समय सरकमस्टांसेस को ध्यान में रखकर किया जाता है। और उसके बाद जो अमाउंट ऑफ पेनल्टी है वो एक वार्निंग है। अब देखो यहाँ पे हम जो लिक्विडेटेड डैमेज की बात कर रहे थे, मतलब हम जो कोर्ट जो भी दूसरी पक्षकार से जो डिफॉल्टिंग पार्टी से हम पैसा ले रहे हैं वो लिक्विडेटेड डैमेज है या पेनल्टी है, कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा? कोर्ट उस समय के सरकमस्टांसिस को देखेगा, कोर्ट देखेगा, एग्जामिन करेगा सरकमस्टांसिस को कि ये अमाउंट जो आपने डिसाइड किया है लिक्विडेटेड है या पेनल्टी है। तो कैसे डिसाइड होगा? अगर तो अमाउंट ऑलमोस्ट लॉस के बराबर होगा तो लिक्विडेटेड डैमेज होगा, और अगर अमाउंट लॉस से बहुत ज़्यादा है तो वो पेनल्टी होगा। तो क्यों ज़्यादा रखा जाता है? एक तरह से अच्छे से उसको सबक सिखाने के लिए कि भाई कल को अगर 50,000 रख दी तो हम दोनों को पहले ही बुद्धि आ जाएगी, हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारी गलती से कॉन्ट्रैक्ट टूटे और हमें 50,000 देने पड़े। तो पेनल्टी क्यों डिसाइड की जाती है? ताकि दोनों अपना अपना काम अच्छे से ईमानदारी से करें। लिक्विडेटेड डैमेज क्यों डिसाइड किया जाता है? कि भाई अगर लॉस होगा तो लॉस की दशा में ये हम पेमेंट कर सकें, ठीक है जी। तो ये सारी बातें वही हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब दोनों में डिफरेंस आ जाता है, लिक्विडेट डैमेज में और पेनल्टी में। लिक्विडेटेड डैमेज का ऑब्जेक्ट क्या है? लॉस को रिकवर करना, अग्रीव्ड पार्टी को लॉस से बचाना, मतलब अगर लॉस हुआ तो उसको दिलवाना। लेकिन इसका ऑब्जेक्ट है दोनों पक्षकारों को, प्रोमाइजर एंड प्रोमाइजी दोनों हो गए ना एक तरह से, उनको बोलना, उनको ये दिखाना कि भाई अपना अपना वचन जरूर पूरा करना है, नहीं तो हैवी पैसा लगने की उम्मीद है तुम्हारे ऊपर लॉस की। फिर अमाउंट की बात करते हैं। ये अमाउंट यहाँ पे ना नॉट मिसिंग है तो मैंने नॉट लिख दिया है। अमाउंट इज़ नॉट मच मोर देन, मतलब जो अमाउंट डिसाइड होगा वो एक्सपेक्टेड लॉस से ज़्यादा नहीं है,
राइट, लेकिन इसमें है अमाउंट इज मच मोर देन द एक्चुअल लॉस. ठीक है, राइट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के पास राइट है, डज नॉट हैव, उसको ये रिड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी ये जेन्युइन है. इसको रिड्यूस कर सकता है क्योंकि ये उसको अगर लगे कि जेन्युइन नहीं है तो. अब आ जाते हैं इंटरेस्ट एज डैमेजेस, ये छठा पॉइंट है. इंटरेस्ट एज डैमेजेस, कभी कभी आपने देखा होगा कि हम कोई उधार लेते हैं या हम कोई काम करते हैं या उसमें पैसों का लेन देन होता है तो उसमें इंटरेस्ट भी लिया जाता है. अब इंटरेस्ट को क्या आप पेनल्टी के तौर पर ले रहे हैं, लिक्विडेटेड डैमेज के तौर पर ले रहे हैं, किस तौर पर ले रहे हैं, वो है सवाल. तो उसके लिए देयर आर सम ऑप्शंस. नंबर वन, व्हेन द डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट फिक्स्ड. अब इसमें क्या कहता है, मान लीजिए मैंने आपसे 10,000 रुपये उधार लिए हैं और डेट फिक्स नहीं है, आपने ये कहा है कि कभी भी दे देना. ठीक है, जब कभी भी दे देना, जब डेट फिक्स ही नहीं है तो आप मेरे ऊपर कोई चार्ज इस तरीके का नहीं लगा सकते ना कि तूने पैसे नहीं दिए. जब आपने डेट ही फिक्स नहीं करी तो मैं आपको टाइम पर पैसा, मतलब वो टाइम ही फिक्स नहीं है तो मैं कभी भी दूँ, इसका मतलब आपके ऊपर, आप मेरे ऊपर कोई भी इंटरेस्ट का चार्ज डैमेज के तौर पर नहीं लगा सकते. बट अगर डेट फिक्स है तो, पहले तो डेट फिक्स नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं होगा डैमेज के तौर पर, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा. और अगर डेट फिक्स है और आप, मैंने टाइम पर पैसा नहीं दिया तो तुमने ये कह रखा है कि जी 2 महीने तक पैसा नहीं दोगे, 2 महीने ख़त्म होते ही आपके ऊपर 2% से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, 2% से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा. अब ये 2% अगर मार्केट रेट के ऑलमोस्ट सेम है फिर तो हो गया ये लिक्विडेट डैमेज, और अगर ये मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा है तो फिर इसे हम बोलेंगे पेनल्टी. ठीक है, फिर आ जाइए इसके ऊपर. दूसरा कह रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट. अब ये जो इंटरेस्ट आपका लगेगा ना, ये कब से लगेगा? अब मान लीजिए लोन का टाइम फिक्स है 2 महीने का, 2 महीने तक आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, या ये लगा लो 2 महीने तक आपके ऊपर सिर्फ 2% लगेगा. अगर 2 महीने क्रॉस कर लिए तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 2 से 3 हो जाएगा जब तक आप पैसा नहीं देते. ठीक है, अब ये 2 से 3 कब होगा? जिस दिन आप गलती शुरू करोगे तब से. पहले तो 2 ही चल रहा था, 2 महीने ख़त्म होते ही ये 3 पे कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि अब आपने गलती स्टार्ट कर दी है. लेकिन अगर ये 2 से 20 पर चला जाता है, विच इज़ मच मोर देन द एक्चुअल प्रॉब्लम, तो वो पेनल्टी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विडेटेड डैमेज नहीं होगा, वो पेनल्टी मान लिया जाएगा. फिर आ रहा है तीसरा ऑप्शन कि कंपाउंड इंटरेस्ट. कभी कभी ऐसा होता है कि देखो इंटरेस्ट 2 तरह के होते हैं, अगर आपने मैथ्स पढ़ा है, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे आप सिंपल हिंदी में कहेंगे साधारण ब्याज एंड चक्रवृद्धि ब्याज. तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो कम होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका अमाउंट ज़्यादा बनता है. ठीक है, तो मान लीजिए ये भी कह सकता है कि भाई जब तक आप 2 महीने तक आप पेमेंट करो तो आपके सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन अगर 2 महीने से बाद पेमेंट आपकी बाद में चली जाती है तो आपका यही 2% सिंपल इंटरेस्ट 2% कंपाउंड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. कोई बात नहीं, वो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, तो इसे हम लिक्विडेट डैमेज कह सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर ये 2% सिंपल इंटरेस्ट आपका 3% कंपाउंड इंटरेस्ट पे चला जाए तो क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा? तो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये लिक्विडेट डैमेज ही कहलाएगा. लेकिन अगर ये एट ए हायर रेट देन सिंपल इंटरेस्ट, मान लीजिए 2% सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 20% कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर कन्वर्ट कर दें तब क्या बन जाएगा? तब ये पेनल्टी बन जाएगा. तो कोर्ट के पास ये राइट है कि वो इस पेनल्टी की राशि को कम कर सकती है. लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है रिबेट ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये थोड़ा सा इन्होंने ना पॉइंट क्लियर नहीं किया, रिबेट का यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, रिबेट का मतलब छूट होता है, यहाँ पे इस तरीके का कोई सीन नहीं है. ये मेरे हिसाब से ये पॉइंट थोड़ा इन्होंने गलत बना रखा है. एक्चुअली इसके अंदर जो एक्सप्लेन कर रहा है ना, वो वही बात एक्सप्लेन कर रहा है जो मैंने अभी आपको बताई. तो आप इनको 2 पॉइंट में भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि सेम रेट पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सेम रेट से थोड़ा सा ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट, या सेम रेट से बहुत ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट. तो आपने देखा पहले दोनों केसेस में ऑलमोस्ट लिक्विडेटेड डैमेज है, लेकिन तीसरे केस में वो पेनल्टी में कन्वर्ट हो गया है. सो कोर्ट हैज़ अ राइट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पेनल्टी अगर उसे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है अनरीजनेबल है. ठीक है जी, सो लास्ट टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का, इज़ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज अ पेनल्टी. क्या हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पेनल्टी होता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है. मान लीजिए अगर मार्केट में ही हाई रेट चल रहा है, हाई रेट को हाई क्यों बोला है? अगर मार्केट से आप कंपैरिजन कर रहे हो तभी हाई और या लो होगा ना. अगर आप मार्केट से हाई रेट पर ले रहे हो, कई बार क्या होता है कि मार्केट में एकदम फ्लक्चुएशन आ जाते हैं और फ्लक्चुएशन आने की वजह से रेट्स हाई हो जाते हैं, बट उतने हाई नहीं जितने मतलब हमें लगे कि अरे ये पेनल्टी वाला सीन हो गया, वो नहीं.
तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं होंगे, ये डिपेंड करता है सरकमस्टांसेस पे, ठीक है। लॉ इसके बारे में क्या कहता है कि एक तो ये है कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इस वजह से ले रहे हो कि आप उसके ऊपर अंडू प्रेशर डाल रहे हो। अब एक किसान है, लैंड लॉर्ड के आगे फंसा हुआ है, ठीक है, और मजबूर है, तो ज़मींदार तो उससे भाई 20% पे अंगूठा लगवाएगा या फिर पैसा ज़्यादा चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि एक गरीब है और एक अमीर है, तो एक अनुचित प्रेशर है। क्या अनुचित प्रेशर तो नहीं है ना? हाँ, अनुचित प्रेशर नहीं होना चाहिए, आप अपनी पोजीशन का फ़ायदा नहीं उठा सकते। दूसरा, कोर्ट को ये लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उतना हाई नहीं है, ये तो कोर्ट डिसाइड देखेगा कि है या नहीं है। तीसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या इतना है कि जो पीड़ित पक्षकार है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, उसको जस्टिस मिल जाए, उसको भी जस्टिस मिल जाए और साथ में डिफॉल्टिंग पार्टी को भी एक सबक मिल जाए। लेकिन इतना भी सबक नहीं देगा, वो बेचारा एग्रीव्ड पार्टी में कन्वर्ट हो जाए। कहने का मतलब होता है कि एक आदमी को न्याय दिलाने के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे के साथ कुछ ज़्यादा ही अन्याय कर जाते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट वन, वो कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट रीजनेबल होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। अगर ये चारों चीज़ें हैं तो मैं ये कहूँगी कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पेनल्टी नहीं होगा, वरना पेनल्टी हो सकता है। तो ये था हमारा चैप्टर। अब इसके साथ ही हमारा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, डिस्चार्ज नहीं सॉरी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अनुबंध तोड़ने के परिणाम क्या हैं, वो ख़त्म होता है। तो इसकी प्रॉब्लम्स आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में दिखाए जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।